नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नहीं खत्म हो रहा राधिका खेड़ा विवाद, एक्स पर प्रियंका का छत्तीसगढ़ में स्वागत कर बघेल पर निशाना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार अध्यक्ष प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच हुआ विवाद गर्म होता जा रहा है। अब राधिका खेड़ा ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर एक नया पोस्ट किया है। राधिका खेड़ा ने आज फिर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर पोस्ट करने के साथ ही कक्का पर भी तंज कसा है। राधिका खेड़ा ने इस पोस्ट में लिखा कि दुशील को लेकर कक्का का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है। छत्तीसगढ़ में वोट करो छूट पाओ ऑफर लागू। छत्तीसगढ़ में दो चरण के चुनाव पूरे हो गए हैं। तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने वाले हैं। आखिरी चरण के चुनाव के लिए सियासी प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। बता दें कि 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में वोटिंग होने वाली है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कवायद जारी की है। चुनाव आयोग के साथ छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मतदान करो छूट पाओ की घोषणा की है। भूपेश बघेल की सरकार ने ठग सरकार के रूप में काम किया, बोले टंकराम वर्मा। आने वाले 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में दुर्ग लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां दुर्ग जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के खेल मंत्री टंकराम वर्मा दुर्ग पहुंचे। भिलाई में दुर्ग लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा कांग्रेस और भूपेश बघेल पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा, पूरे देश में एक बार फिर मोदी की लहर है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार पर भड़की प्रियंका गांधी, बोली भाजपा भ्रष्ट और मुद्दों पर रहने वालों को देती है बढ़ावा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ के कोरबा के चिरमिरी क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। कोरबा में चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा नेता लोगों के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दो तरह के नेताओं को बढ़ावा देती है, भ्रष्ट और वे जो लोगों के कल्याण और मुद्दों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। छत्तीसगढ़ के इन जिलों के दौरे पर रहेंगे सचिन पायलट, जनसभा को करेंगे संबोधित। इन दिनों लगातार ही कांग्रेस और बीजेपी मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में दौरा चल रहा है। वहीं इस बीच चुनाव की तैयारियों के बीच प्रचार प्रसार जारी है। इसके साथ ही दौरान कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट इन दिनों लगातार ही प्रदेश के अलग अलग जिले के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के 4 जिले के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश की सारंगढ़, कोरबा और बिलासपुर जिला का दौरा करेंगे। साथ ही कोरबा में आयोजित किए गए प्रियंका गांधी के जनसभा में वो शिरकत करेंगे। राधिका खेड़ा को लेकर कांग्रेस पर भड़के छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम, बोले प्रियंका गांधी को देना पड़ेगा जवाब। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के ट्वीट और वायरल वीडियो को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। ऐसे में इसी बीच प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। अब इसे मामले पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी में महिला के सम्मान को लेकर प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी को राधिका खेड़ा के मामले पर बात करनी होगी और जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से श्रमिकों में बढ़ रही आत्मनिर्भरता, बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से श्रमिकों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित कर रही है। मैं श्रमिक भाइयों बहनों के अथक परिश्रम को नमन करता हूँ। सीएम विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, रेलवे ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की 22 ट्रेनों को किया रद्द। भारतीय रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ आने जाने वाली करीब 22 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रेलवे के इस फैसले से गर्मी के दौरान छुट्टियां बिताने के साथ ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने इन सभी 22 ट्रेनों को रद्द करने की वजह नागपुर रेल मंडल में होने वाले काम को बताया है। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में तेज धूप की वजह से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गर्म हवाएं भी चल रही हैं। आगामी दिनों में तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में सबसे गर्म रायगढ़ जिला रहा। वहीं 12 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुँच चुका है। छत्तीसगढ़ का हरा सोना तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा सरकार फायदा।
छत्तीसगढ़ में हरा सोना के नाम से पहचाने जाने वाला तेंदूपत्ता अब संग्राहक को कुछ ज्यादा मुनाफा देने वाला है। प्रदेश में तेंदूपत्ता का संग्रहण करने वालों को अब पिछली सरकार की अपेक्षा ज्यादा का मुनाफा होने वाला है। तेंदूपत्ता बेचने वालों को 4000 प्रति मानक बोरा पिछली सरकार में मिलता था, जो अब 5500 रुपए के दर पर मिलेगा, जिसे इस साल होने वाली तेंदूपत्ता खरीदी को लेकर वन मंडल अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि जिले में इस वर्ष 83000 मानक बोरा संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में दो दिन बंद रहेगी शराब दुकानें। छत्तीसगढ़ में दो दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वोटिंग से 48 घंटे पहले यानी 5 मई को शाम 5 बजे से 7 मई तक शराब दुकानों को बंद रहेगा। भाजपा बोले SC ST OBC का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। बिलासपुर में MLA धर्मलाल कौशिक और प्रदेश भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में धर्म जाति के आधार पर तुष्टिकरण किया गया है। सरकारी ठेकों पर में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात कहकर कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि वे आदिवासी अनुसूचित जाति OBC सहित सामान्य वर्ग के सभी हक छीन लेना चाहती है। सूरजपुर पुलिस की 6269 वाहन चालकों पर कार्रवाई। सूरजपुर जिले में पुलिस ने अप्रैल महीने में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले 6269 वाहन चालकों से 19,46,300 रुपए समन शुल्क वसूल किया है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और सड़क हादसों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। थाना चौकी प्रभारी सहित यातायात पुलिस के द्वारा अप्रैल महीने में 2024 में विभिन्न चौक चौराहों अंतर्राज्यीय और जिले की सरहदी क्षेत्र में स्थित बैरियर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब वोट जिहाद, भड़के पीएम मोदी। गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद के बारे में सुना था, लेकिन इंडी गठबंधन के एक नेता ने अब वोट जिहाद का आह्वान किया है। इससे इनकी रणनीति और सोच का पता चलता है। ये बयान एक शिक्षित परिवार से आया है, किसी मदरसे से निकले बच्चे का बयान ये नहीं है। बता दें कि सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने बीजेपी को हटाने के लिए वोट जिहाद की अपील की थी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी की तारीफ, बीजेपी ने खड़े किए सवाल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि राहुल ऑन फायर, अब बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल राहुल वीडियो में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। इससे पहले हाफिज सईद ने भी कहा था कि कांग्रेस उसकी पसंदीदा पार्टी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।